हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अन्वेषण। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस के जो फर्स्ट चैप्टर था, हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे यूनिट वन यानी रिलेशनशिप और यूनिट सेकंड यानी वर्क एंड प्ले को। तो उसी चैप्टर की फैमिली एंड फ्रेंड्स चैप्टर की हम यूनिट थर्ड को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगा मेनली फॉर सीटेट और एस्टेट एस्पायरेंट्स के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं एनिमल्स। ओके, तो एनिमल्स एंड प्लांट्स को एग्जिस्ट विद ह्यूमन बींग्स एंड बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल इन द लार्ज इकोसिस्टम। ठीक है, तो एनिमल्स और प्लांट्स जो कि ह्यूमन बींग्स के साथ को एग्जिस्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किसके लिए? इस लार्ज इकोसिस्टम में, मतलब इस अर्थ पे एक परफेक्ट सर्वाइवल के लिए। ठीक है, और अब इसी में एक चीज़, अकॉर्डिंग टू स्टडीज़, अगर कोई इंसान जो है पेट्स वगैरह को पालता है या फिर प्लांट्स वगैरह को अपने साथ अपने घर में रखता है, तो ये भी देखा गया है कि उसमें जो है हार्ट अटैक की जो डिजीज़ होती है और अदर डिजीज़ के जो चांसेस होते हैं होने के, वो काफ़ी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्लांट्स और एनिमल्स के साथ मेनली फ्रेंडली बिहेव किया जाए। ठीक है, तो अब इसमें नेक्स्ट है इसमें हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। तो बेसिकली तो नेचर हैबिटेट जो होता है वो होता है नेचुरल ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन एनिमल और प्लांट। ठीक है, एक प्राकृतिक स्थान होता है किसका? एनिमल और प्लांट का, किसके लिए? रहने के लिए। ओके, खुद को सर्वाइव करने के लिए। अच्छा, अब इसमें सेकंड एक टर्म आता है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या होता है? एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल हो या फिजिकल हो या फिर बिहेवियरल हो। ठीक है, तो दैट एनेबल्स द ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इट्स हैबिटेट। ओके, तो एक कोई एट्रीब्यूट ऐसा जिसमें वो अपनी आपको सर्वाइव कर सके और अपनी मतलब वहाँ पे रिप्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो उस तरह के जो है एट्रीब्यूशन को कहते हैं एडेप्टेशन। ओके, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल हो और चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो या फिर वो बिहेवियरल हो। ठीक है, तो थ्री एस्पेक्ट्स होते हैं इम्पॉर्टेंट किसमें? एडेप्टेशन में। ओके, अब इसमें हम आगे चलते हैं। अब एनिमल्स का सबसे मेन आता है, हर एनिमल को जो है न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है खुद के सर्वाइवल के लिए। ठीक है, अगर वो न्यूट्रिशन नहीं लेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा इजीली। तो अकॉर्डिंग टू मतलब वो किस तरीके से फूड को इनटेक कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट है पैरासिटिक, सेकेंड है सैप्रोफाइटिक एंड थर्ड है होलोजोइक। पैरासाइट्स आर मेनली दोज ऑर्गेनिजम्स हु लिव्स इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे उसके या तो अंदर या फिर उसके बाहर रहते हैं। जैसे कि अगर हम ऑन वाली बात करें, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म की अपर बॉडी पे, अगर हम अपने ही केस में बात करें तो हमारे ऊपर जैसे हमारे बालों में जो जू वगैरह हो जाती है तो वो एक पैरासाइट होता है। बेसिकली ऐसे जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए किसी अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड अप करते हैं, मतलब उसके वहाँ पे शेल्टर भी बनाते हैं अपना और उसी से अपना न्यूट्रिशन भी लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब इन वाली बात, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अंदर रहते हैं किसी अदर ऑर्गेनिज्म के, जैसे कि कुछ बैक्टीरियाज़ हैं। और अगर हम अपने केस में बात करें तो हमारे जो वॉर्म्स हो जाते हैं पेट में, ठीक है, तो वो कौन से हुए? इन वाले पैरासाइट हुए, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं। ठीक है, और उसी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अब थर्ड सेकंड आता है इसमें सैप्रोफाइटिक। ठीक है, एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसके ऊपर फीड अप करते हैं?
डेड डिकेइंग मैटर, मतलब जो सड़ती गलती चीज़ें होती हैं उनके ऊपर ये उगते हैं और अपनी लाइफ को सस्टेन करते हैं, अपने आप को वहाँ वो ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज़म्स का एग्जांपल क्या है, यीस्ट और फंजाय। ठीक है, फंजाय जैसे कि मशरूम इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फंजाय का। और थर्ड आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब होलोजोइक इनटेक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली एनगल्फ करता है या फिर उसको डाइजेस्ट करता है, मतलब या तो वो उसको सिर्फ निगलेगा खाने को या फिर उसको डायरेक्टली डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये थ्री मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के ऑन द बेसिस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, अब आगे आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑन द बेसिस ऑफ फूड दे ईट, मतलब वो किस तरीका का खाना खाते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा हर एक ऑर्गेनिज्म का जो खाने का जो क्लासिफिकेशन है, मतलब हम भी जो है कैसा खाना खाते हैं, हम वेज भी खाते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं, लेकिन काव वगैरह होती है वो कैसा खाना खाती है, वो सिर्फ ग्रीन ग्रास खाती हैं। तो इसी बेसिस को देखते हुए एनिमल्स को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहली है हर्बीवोर, सेकंड है कार्निवोर एंड थर्ड है ओमनिवोर। ठीक है, तो हर्बीवोर मतलब अगर हम इस वर्ड को टू पार्ट्स में ब्रेक करें तो हर्ब्स का मीनिंग क्या होता है, ग्रीन। ठीक है, हर्ब्स यानी जड़ी बूटियां यानी प्लांट्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो कि प्लांट्स खाते हैं यानी प्लांट ईटिंग ऑर्गेनिज़म्स। तो इसका एग्जांपल है काओ, गोट एंड सम इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि ग्रास ऑफर। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। और कार्निवोर्स सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें जो है ऐसे एनिमल्स जो अदर एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, यानी एनिमल ईटिंग ऑर्गेनिज़म्स एनिमल्स। ओके, तो इनके एग्जांपल हैं जैसे कि लॉइन, वल्चर एंड शार्क। अब थर्ड है इसमें ओमनिवोर। तो ओमनिवोर ऐसे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि बोथ प्लांट और एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, तो उसमें हम भी आते हैं क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वेज और नॉन वेज बोथ टाइप की डाइट ले सकता है। और कुछ बर्ड्स होती हैं, डॉग होता है, कैट होता है और भी अदर ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। ठीक है, दीज आर मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स। आगे आता है इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अच्छा, अब एनिमल्स को खुद को ग्रो करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशन की। अब ये भी ज़रूरी है कि वो अपने जैसे, मतलब अपनी जो लाइफ है, अपने जो एंसिस्टर्स हैं और अपने जो प्रोजेनी हैं उसको रिप्रोड्यूस करें। ठीक, तो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है किसी भी एनिमल के सर्वाइवल के लिए। ठीक है, जिससे वो अपनी रेस को आगे बढ़ा सके। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेसिस पे और जो प्रोजेनी जो डेवलप होती है, प्रोजेनी जो बनती है, तो वो किस किस तरीके से होती है, तो उस बेसिस पे टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला है ओवीपैरस एंड सेकंड है विवीपैरस। तो ओवीपैरस एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं विच ले एग्स, मतलब जो एनिमल्स अंडे देते हैं और उसमें से उनकी जो है प्रोजेनी बनती है, तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, ओवीपैरस। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल है बर्ड्स, स्नेक, फिशेस एंड एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मतलब जो रेंगने वाले जो जानवर होते हैं वो, और इंसेक्ट्स। तो ये किसके एग्जांपल हैं, ओवीपैरस के। अब सेकंड है इसमें विवीपैरस। अब विवीपैरस क्या होता है, द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, ऐसे एनिमल्स जो बर्थ देते हैं किसको, अपने यंग वंस को डायरेक्टली। ठीक है, तो जैसे कि हम ह्यूमंस, और जैसे कि हाइयर शार्क होती हैं, और हाइयर शार्क मतलब जो बड़ी बड़ी शार्क वाली जो ब्रीड होती है, स्पीशी होती है शार्क की वो, और गोट। ठीक है, और वेल भी एक मैमल ही होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल था। अब आगे आता है लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल क्या होता है, बेसिकली द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एनिमल फ्रॉम एन एम्ब्रियो टू अ मैच्योर एडल्ट।
आर कॉल्ड लाइफ साइकिल। ठीक है, मतलब किसी भी एनिमल का डेवलपमेंट किससे, उसके एम्ब्रियो यानी भ्रूण अवस्था से उसकी एडल्ट यानी जब वो एक तरीके से वयस्क बन जाता है, तो इस साइकिल को क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र किसी भी जानवर का। ठीक है, अब आगे है इसमें मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब रिप्रोडक्शन पढ़ा कि रिप्रोड्यूस होने के तरीके क्या होते हैं, मतलब या तो ओविपेरस होगा या फिर विविपेरस होगा। अब मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, मतलब प्रोजेनी जो है डेवलप होती कैसे है, क्या क्या रोल होता है, किसका रोल होता है। ठीक है, अब मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल या फिर इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब होता है कोई चीज़ बाहर हो रही हो, और इंटरनल का मतलब कोई चीज़ अंदर हो रही हो। तो फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, ओवम यानी फीमेल एग, और स्पर्म यानी मेल एग। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल्स, फीमेल्स की बॉडी के आउटसाइड जो ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, अगर हम फ्रॉग्स की बात करें तो मेल जो फ्रॉग होता है वो स्पर्म रिलीज़ कर देता है और फीमेल ओवम रिलीज़ कर देती है, फर्दर वो आउटर साइड में फर्टिलाइज होते हैं जिससे जो है न्यू प्रोजेनी बनती है। ठीक है, तो ये किस तरह का फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, अब आगे है इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, ओवम और स्पर्म जो है वो फीमेल्स की बॉडी के अंदर फर्टिलाइज होते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स यानी जितने भी रेंगने वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे छिपकली, ठीक है, लिजर्ड, सॉरी, तो लिजर्ड एंड कैमेलियन, तो ये कभी सभी क्या होते हैं, रेप्टाइल्स। और मैमल्स, मैमल्स जैसे हम, और जितने भी, मतलब बेसिकली जितने भी ब्रेस्ट फीडिंग वाले एनिमल्स होते हैं जो मिल्क फीड करते हैं अपने अपनी प्रोजेनी को। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स क्या शो करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और बर्ड्स, बर्ड्स जो हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करती हैं। ओके, और भी एग्जांपल्स हैं इसके, बहुत सारे इंसेक्ट्स भी होते हैं जैसे कॉकरोच होता है। अब आगे आता है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ बैकबोन। ओके, अब एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो बैकबोन के बेसिस पे किया जाता है। अब हर एक एनिमल की रीढ़ की हड्डी नहीं होती, अगर आपने वॉर्म्स वगैरह को देखा हो तो उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, और अगर आपने स्नेक को देखा हो उसकी बैकबोन नहीं होती। तो इसी बेसिस को देखते हुए एनिमल्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है बैकबोन के बेसिस पे। ओके, तो फर्स्ट है वर्टिब्रेट्स एंड सेकंड है इनवर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रा का मीनिंग ही बैकबोन से होता है, और इनवर्टिब्रेट मतलब जिसमें वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होते हैं। ठीक है, यानी एनिमल्स विद बैकबोन, वर्टिब्रेट्स जिनकी बैकबोन होती है। ओके, जैसे कि हम और अदर एनिमल्स, जितने भी मेजर एनिमल्स होते हैं वो। ठीक है, और सेकंड है इनवर्टिब्रेट्स, एनिमल्स विदाउट बैकबोन, जैसे कि स्पंजेस। स्पंजेस एक सी एनिमल होता है, समुद्र में रहने वाला जानवर होता है। और वॉर्म्स, जितने भी वॉर्म्स होते हैं, कीड़े मकोड़े और स्पाइडर्स, स्पाइडर्स की बैकबोन नहीं होती। और इसमें एक फैक्ट है जो कि एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि जो है कितने प्रतिशत जानवर जो हैं इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है, तो 97% लगभग जानवर जो हैं, जो कि पृथ्वी पर जितने जानवर पाए जाते हैं उनमें से लगभग 97% जो हैं एनिमल्स, वो क्या है, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है, अब आगे है इसमें वेरिएशन इन द फीचर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। अब इसमें जो वर्टिब्रेट्स होते हैं यानी जो एनिमल्स जिनकी बैकबोन होती है उनमें भी वेरिएशंस पाए जाते हैं। अब वेरिएशंस कैसे, सबसे पहले हर्ट के बेसिस पे। हर्ट जो है बेसिकली हमारा जो हर्ट होता है वो फोर चैम्बर्ड हर्ट होता है। ठीक है, यानी उसमें फोर चैम्बर्ड यानी टू ओरिकल्स होते हैं और टू वेंटिकल्स होते हैं। ठीक है, तो इसी बेसिस को देखते हुए, लेकिन हर एक एनिमल के फोर जो है कॉलम्स नहीं होते हर्ट के। ठीक है, तो उसी बेसिस पे डिवाइड किया गया है एनिमल्स को। अगर हम पिसेस की बात करें, यानी पिसेस जो कि समुद्र में रहने वाले जीव होते हैं, जैसे कि फिश, सी स्नेक्स,
तो उनके क्या होते हैं, बॉडी पे स्केल्स होते हैं, ठीक है, और इनविजिबल ईयर्स होते हैं, मतलब उनके ईयर्स तो होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, वो सुनते भी हैं, ठीक है। एंड टू चैम्बर्ड हार्ट, यानी वन ऑरिकल होगा और वन वेंट्रिकल होगा, ठीक है। तो अच्छा, अब ये ऑरिकल और वेंट्रिकल क्या होता है, बेसिकली जो ब्लड फ्लो करता है पूरी बॉडी में और पूरी बॉडी से जो ब्लड फ्लो करके जो वापस आता है हार्ट में, ठीक है, तो वो कैसा ब्लड होता है, डी ऑक्सीजनेटेड, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ चुका होता है, ऑक्सीजन जो है पूरी बॉडी एब्जॉर्ब कर चुकी होती है, तो वो एक चैम्बर में स्टोर होता है। और जो ब्लड हार्ट पंप करता है, ठीक है, मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पंप करता है हार्ट, उस वो दूसरे चैम्बर में स्टोर होता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी हैव फोर चैम्बर ऑफ हार्ट, यानी ऑरिकल और वेंट्रिकल, ठीक है। अच्छा, अब पिसेस जो है उनके टू चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है ये। एंड रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, मतलब गिल्स एक ऑर्गन होता है जिसमें मतलब जो भी वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके सभी के क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज़म को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो और जो ऑक्सीजन है वो वाटर में डिज़ोल्व होगी और वो फ्री गैसियस फॉर्म में नहीं मिलेगी पानी में, तो इस वजह से उनके क्या होते हैं, लंग्स की जगह क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, जिसमें से वो वाटर को अंदर अपने बॉडी के अंदर लेता है गिल्स में, और गिल्स जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके एक्सेस वाटर को थ्रू आउट कर देते हैं बॉडी के, ठीक है। अब आगे है इसमें ओविपेरस, अब नेक्स्ट है इसमें एम्फीबियंस। एम्फीबियंस यानी ऐसे एनिमल्स जो ज़मीन पर भी रह सकते हो और जो पानी में भी सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है फ्रॉग एंड टोड, ठीक है। तो फ्रॉग एंड टोड जो है वो सेम फैमिली के होते हैं, लगभग सिमिलर ही होते हैं एक दूसरे के, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है, जैसे कि शेर और चीते में डिफरेंस होता है ऐसे ही। तो इनकी बॉडी में क्या है, स्केल्स नहीं होते, ठीक है, और इनविजिबल ईयर्स होते हैं इनके, एंड थ्री चैम्बर्ड ऑफ हार्ट, एंड रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स स्किन एंड लंग्स। इनके गिल्स भी होते हैं क्योंकि इन्हें पानी में भी सर्वाइव करना है, और स्किन से भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं और लंग से भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं, तीनों ऑर्गन इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ओविपेरस, ठीक है। अब आगे है इसमें रेप्टाइल्स, यानी रेंगने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं वो, तो इससे एग्जाम्पल है स्नेक और लिजर्ड। तो इनकी बॉडी पे स्केल्स पाए नहीं जाते और इनविजिबल ईयर्स होते हैं इनके, और थ्री चैम्बर्ड हार्ट एंड रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, एंड ये क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं, ठीक है। अब बर्ड्स क्या होती हैं, बर्ड्स यानी ऐसे एनिमल्स जो फ्लाई कर सकें और ज़मीन पर भी रह सकें, तो यानी क्रो, पिजन एंड पैरट, ठीक है। तो इनकी बॉडी पर क्या होता है, फीदर्स होते हैं, पंख होते हैं, और इनविजिबल ईयर्स होते हैं इनके, और फोर चैम्बर्ड ऑफ हार्ट होते हैं, ठीक है, यानी टू ऑरिकल्स एंड टू वेंट्रिकल्स, ठीक है, और रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, अपने लंग्स से रेस्पायर करते हैं क्योंकि ये पानी में जाते नहीं है, पानी में सर्वाइव नहीं कर सकते, इस वजह से गिल्स इनके एब्सेंट होते हैं, और ये क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं, यानी एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है। अब आगे आता है लास्ट मैमल्स। मैमल्स क्या है, जो अपने यंग वंस को मिल्क फीड करते हैं, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जैसे कि डियर यानी हिरन, ह्यूमंस और एलिफेंट, ठीक है। तो इनके जो क्या होते हैं, बॉडी पे हेयर्स होते हैं, हमारी बॉडी पे भी हेयर्स होते हैं, जैसे मंकी के बॉडी पे हेयर्स होते हैं, ओके। और जितने भी अदर एनिमल्स हैं, जैसे लॉयन हुआ, तो सबकी बॉडी पे क्या होता है, हेयर्स होते हैं और विजिबल ईयर्स होते हैं, ठीक है, और फोर चैम्बर्ड ऑफ हार्ट होते हैं, ठीक है। और लंग्स किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए, एंड दीज आर विविपेरस, ठीक है, डायरेक्ट बर्थ देते हैं अपने प्रोजेनी को, ठीक है। अब आगे है इसमें क्रोकोडाइल हैव फोर चैम्बर्स। तो क्रोकोडाइल जो है क्या है, एक रेप्टाइल होता है, रेप्टाइल मतलब ये बेसिकली एक एम्फीबियन एनिमल होता है जो कि पानी में भी सर्वाइव कर सकता है और
ज़मीन पर भी यानी टेरेस्ट्रियल भी ये सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो इसके क्या है, 4 चैम्बर ऑफ हर्ट होता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल केस है किसका, एम्फीबियंस का। अब आगे आता है क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, बहुत सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या स्लीपिंग टाइम सब एनिमल्स का सेम होता है? नहीं, क्योंकि हर एक एनिमल अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से स्लीपिंग टाइम डिसाइड करता है। जैसे कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ कुछ घंटे सोते हैं, जैसे कि ह्यूमन है, वो यूजली 7 से 8 घंटे सोता है। ठीक है, उसका एक फिक्स टाइम है, मतलब कुछ वो फिर एक्सेप्शनल हो जाता है, कुछ 4-4 घंटे में भी काम चला लेते हैं, कुछ 12 घंटे से भी काम नहीं चलता। ठीक है, अब आगे है इसमें, काव जो है वो 4 आवर्स स्लीप करती है और स्लॉथ 18 आवर्स, मतलब सबसे ज़्यादा सोने वाला जानवर कौन सा होता है, स्लॉथ होता है। ठीक है, अब आगे है इसमें लोकोमोशन इन एनिमल्स। अब लोकोमोशन क्या होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट किसके थ्रू करेगा कोई भी एनिमल। तो बेसिकली कुछ एनिमल्स के क्या है, लोकोमोशन के लिए क्या होता है, या तो वो स्विम करेगा, या तो वो तैरेगा, या फिर वो उड़ेगा। ठीक है, या फिर क्रॉलिंग यानी रेंगना, होप या वॉक। ठीक है, तो पेंगुइन्स के क्या होते हैं, फ्लिपर्स होते हैं, और फिशेस के क्या होते हैं, फिन्स होते हैं। फिन्स यानी उन उसके जो फिन्स जिसकी वजह से वो वाटर को कटआउट करके अपने आप को आगे बढ़ाती है, जो कि उसके तैरने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और फ्रॉग्स का क्या होता है, वीप्ड फीट। ओके, और इंसेक्ट्स के क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। तो ये कुछ लोकोमोशन के लिए कुछ बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो एनिमल को लोकोमोट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें ह्यूमन के केसेस में और अदर के केसेस में, तो हमारे क्या होते हैं, लिम्स होते हैं। ठीक है, अब आगे है इसमें रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ओके, तो एज वी नो हर एक एनिमल को किसकी ज़रूरत होती है, O2 की ज़रूरत होती है, यानी ऑक्सीजन की नीड होती है। किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। तो हर एक एनिमल का एक डिफरेंट ऑर्गन होता है जिससे वो रेस्पायर करता है। जैसे कि अगर हम बात करें वाटर वाले एनिमल्स, जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, उनके क्या होते हैं, रेस्पिरेशन ऑर्गन गिल्स होते हैं। ठीक है, और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनके क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। जैसे कि हमारे लंग्स होते हैं, काओ, गॉड, बफेलो, इन सब के क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, बिकॉज ये सभी क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। और कुछ एनिमल्स जो हैं वो अपनी स्किन से जो है रेस्पायर करते हैं, जैसे कि फ्रॉग और अर्थवॉर्म। ठीक है, तो ये कुछ एनिमल्स थे, कुछ रेस्पिरेशन के ऑर्गन्स थे कुछ एनिमल्स में जो कि पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे है इसमें एनिमल हस्बेंड्री। अब एक एनिमल हस्बेंड्री एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या किया जाता है, द स्टडी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स और लाइव स्टॉक्स। ठीक है, मतलब जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, यानी काओ, बफेलो, गोट, और जिन्हें हम मतलब अपनी लाइवलीहुड को ग्रो करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हम उन्हें रियरिंग करते हैं, हम उनका पालन पोषण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की स्टडी को क्या कहा जाता है, एनिमल हस्बेंड्री। अब इसमें क्या क्या इंक्लूडिंग हो सकता है, या तो ब्रीडिंग होगी, ब्रीडिंग मतलब उसके रेस को और अच्छा करना जिससे उससे और अच्छी अच्छी प्रोजेनी डेवलप हो पाए। ठीक है, फीडिंग, ठीक है, उनको फीड करना, वीडिंग यानी एलिमिनेटिंग अन इकोनॉमिकल लाइव स्टॉक, मतलब जो भी उसमें जो ब्रीड्स ख़राब हो चुकी होंगी, जिनका कोई यूज़ नहीं होगा, उनको एलिमिनेट करना, उनको वहाँ से बाहर निकालना। ठीक है, और हीडिंग यानी एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स। ठीक है, अब ये कुछ प्रोसेस होती हैं इसमें। और ये क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि जो है एनिमल्स होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सेल्फ मतलब प्रेजेंट टाइम को देखते हुए हमारी सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर सकते, इस वजह से उन्हें डोमेस्टिक बनाना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे है इसमें इम्पॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स फॉर चिल्ड्रंस। अब आपने देखा होगा जो एनिमल्स होते हैं, आपने सुना था और हमने अभी डिस्कस भी किया था कि एनिमल्स जो है
काफ़ी डिजीज़ के जितने भी चांसेस होते हैं उनको कम कर सकते हैं, इवन उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से देखते हुए एनिमल्स की जो है ख़ास इम्पोर्टेंस होती है किसके लिए, चिल्ड्रंस के लिए। यानी किस तरीके से बाय ऑब्जर्विंग बर्ड्स एंड एनिमल्स चिल्ड्रन कैन लर्न अ लॉट अबाउट एनिमल्स एंड द सराउंडिंग एनवायरनमेंट इन विच दे एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब एनिमल्स को या फिर बर्ड्स को ऑब्जर्व करके बच्चा काफ़ी कुछ सीख सकता है, जैसे कि वो किस तरीके से दिखते हैं, ठीक है, उनकी वॉइस क्या होती है, और एक एनिमल का दूसरे एनिमल से क्या क्या वेरिएशंस होते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस होती है एक चिल्ड्रन के लिए कि वो इंटरेक्ट करे किसके साथ में, बर्ड और एनिमल्स के लिए। और आपने सुना होगा, आपने शिक्षण विधियों में पढ़ा भी होगा खेल खेल में सीखना, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसका। ठीक है, अब आगे है इसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो कि पिछले कुछ सालों में, मतलब मान लीजिए वो 100 साल पहले जैसे किसी एक एनिमल की संख्या क्या थी, 1000 थी, जो कि प्लेंटी मानी जाती थी। मतलब कि हाँ, अर्थ पे इतने एनिमल्स हैं एक पर्टिकुलर स्पीशी के, और वो एक्सीडेंटली वो चीज़ कम हो जाए किसकी वजह से, ह्यूमन एक्शंस की वजह से, या फिर वो नेचुरल क्लाइमेटीज़ हो या फिर क्लाइमेट चेंज हो, इन एक्शंस की वजह से किसी भी एनिमल की स्पीशीज़ में अचानक से रिडक्शन आ जाए, तो इसको क्या कहते हैं हम, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होते हैं। ठीक है, यानी एनिमल बिकम रेयर एंड एंडेंजर्ड फॉर अ नंबर ऑफ रीज़न। ठीक है, मतलब लुप्त होने की कगार पर ऐसे एनिमल्स आ जाते हैं। ठीक है, और दीज इंक्लूड्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर नेचुरल होम्स, क्लाइमेट चेंज एंड हंटिंग एंड पोल्यूशन। ठीक है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको कंजर्व करने के लिए काम करती है। ठीक है, मतलब इनके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती हैं एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उनको प्रॉपर सर्वाइवल दिया जाता है जिससे वो जो स्पीशीज़ है वो पूरी तरीके से गायब ना हो जाए, एक्सटिंक्ट ना हो जाए। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि हॉर्न, सिंगल हॉर्न राइनो और टाइगर और पेंडा। ठीक है, जाइंट पेंडा बेसिकली इसमें, और जो डोडो बर्ड है जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के। अब हम इस टेबल में, ये जो टेबल आपके सामने जो दिखाई जा रही है, ठीक है, तो इसमें हम कुछ ऐसी स्पीशीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें से बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब भर भर के क्वेश्चन आते हैं इन टॉपिक से। तो आप केयरफुली इसे सुनना, और आप इसको नोट भी कर सकते हैं और आपका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो एलिफेंट है, हाथी, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि हाथी का शरीर क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उसको अपनी बॉडी को कूल रखना होता है। और सबसे बड़े ईयर्स किसके होते हैं, हाथी के, यानी बिग ईयर्स वर्क एज अ फैन। इसको कीचड़ में या फिर पानी में खेलना पसंद होता है। डू नॉट रेस्ट मच एंड स्लीप लेस एज वेल, ओके, और ना ही ज़्यादा रेस्ट करता है, और ये सोता भी बहुत कम है। ठीक है, एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स अ डे। मतलब एक एडल्ट एनिमल 100 किलो से ज़्यादा पत्तियाँ और ट्विग, यानी जो टहनियाँ होती हैं, छोटी छोटी डालियाँ होती हैं, उनको खा सकता है। ठीक है, और ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ एन एलिफेंट हर्ड। अब ये जो एलिफेंट्स होते हैं ये झुंड में रहते हैं, हर एक एनिमल एक झुंड में रहता है। तो एक जो हर्ड होता है, यानी इनका जो झुंड होता है, उसकी जो सबसे ओल्डेस्ट हथनी होती है वो उसकी क्या होती है, लीडर होती है। अब आगे है इसमें टाइगर। ठीक है, तो टाइगर यानी हैज़ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट एज वेल एज हियरिंग। ठीक है, मतलब ये बहुत दूर तक देख सकता है और बहुत
दूर तक के वाइब्रेशंस को ये सुन सकता है। कैन सी 6 टाइम्स बेटर देन ह्यूमन एट नाइट, ठीक है, और ये मनुष्य से लगभग 6 गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकता है, ठीक है। कैन मूव इट्स ईयर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन टू कैच द साउंड, ओके। अब आगे है इसमें डॉल्फिन। अब डॉल्फिन में क्या है, डॉल्फिन्स हैव एबिलिटी टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स टू कम्युनिकेट इनसाइड वाटर, ठीक है। अपने एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा जानवर अपने मुंह से तरह तरह के वाइब्रेशंस को बनाने के लिए, वाइब्रेशन यानी साउंड्स को निकालने के लिए जाना जाता है, तो उसका एग्जांपल है डॉल्फिन्स, ठीक है। अब बर्ड्स, इसमें से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, यानी बर्ड्स किसके लिए एडेप्टेड होते हैं, फ्लाई के लिए, यानी उड़ने के लिए। बोट शेप्ड बॉडी होती है, यानी बोट यानी कैसी होती है, बोट इस आकार की होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइंड बॉडी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, तो बोट शेप्ड बॉडी जो कि बीच में से मोटी हो और किनारों से क्या हो, तिकोनी हो, पतली हो, ठीक है। तो क्योंकि ये जो है इनको अडेप्ट करना होता है और जो एयर है उसमें उड़ना होता है, तो उसको एयर को ये काट करके आगे बढ़ सकें, उसको उड़ सकें, तो इस वजह से इनकी क्या होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ठीक है। और हॉलो बोन्स होती हैं, क्योंकि इन्हें फ्लाई करना होता है, अगर हॉलो नहीं होंगी तो इनका जो बॉडी वेट होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, जिससे ये जो है फ्लाई नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से इनकी बोन्स जो है वो हॉलो होती हैं। और विंग्स एंड फीदर्स, ओके। अब क्या है, पर्चिंग फीट टू एंकर द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, ठीक है। इनके जो फीट होते हैं वो पर्चिंग फीट होते हैं, किसके लिए, एंकर यानी जो प्लांट्स की जो ट्रीज की जो ब्रांचेस होती हैं उनको पकड़ने के लिए, ठीक है। अब आगे है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, ठीक है, मतलब दूर तक देख सकते हैं, जैसे कि ईगल, काइट एंड वल्चर्स। अब आगे है इसमें नेक ट्विस्टिंग, यानी मूविंग नेक हेल्प्स देम टू सी इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब कोई भी एनिमल्स अपनी नेक को मूव इसीलिए करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्शंस में देख सके। तो इसमें जो सबसे दो एनिमल्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो आउल से पूछा जाता है, एक पूछा जाता है मैना से। तो आउल से क्वेश्चन आता है कि कौन सा एनिमल अपनी गर्दन को सबसे ज़्यादा घुमा सकता है, यानी 360 डिग्री तक घुमा सकता है, तो उसका आंसर क्या है, आउल्स। अब सेकंड है, इनमें दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, आउल और मैना में, दोनों ही गर्दन को घुमा सकते हैं काफ़ी हद तक, लेकिन जो मैना जो होती है अपनी गर्दन को झटके से घुमा सकती है, ठीक है, ये की वर्ड है इसका। अब आगे है इसमें बुलबुल। बुलबुल मेक्स इट्स नेस्ट इन बशेज, यानी झाड़ियों में अपना क्या बनाती है, घोंसला बनाती है, विद ड्राइड ग्रास एंड हैजेस, ओके। अब आगे है इसमें रॉबिन। रॉबिन इज़ अनदर बर्ड, रॉबिन नेस्ट इज़ सॉफ्ट एंड कोजी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और कोजी होता है, एंड मेड ऑफ सॉफ्ट थिंग्स लाइक ग्रास, सॉफ्ट ट्विग्स और रूट्स, वूल, हेयर एंड कॉटन वूल, ओके। अब आगे है इसमें क्रो। क्रो यानी कौआ। तो क्रोज नेस्ट द मेड ऑफ बर्ड बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड थिंग्स लाइक पीसेज ऑफ वायर एंड वुड। तो वो टाइप्स की जो है चीज़ें होती हैं उनसे ये अपना नेस्ट बनाता है, जैसे कि वायर हो या फिर वो वुड हो, ठीक है। अब कुकू जो है, यानी कोयल, जो कि एक स्वीट वॉइस के लिए एक जानी जाती है वर्ड, ओके। तो ये वर्ड जो है शो ब्रूड पैरासिटिज्म, ठीक है, पैरासिटिज मतलब जो एनिमल्स खुद के सर्वाइवल के लिए दूसरे एनिमल्स के ऊपर रहते हैं, ठीक है, तो ये पैरासिटिज शो करती है, क्योंकि ये जो है ले इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ द इट क्रो कैन बी टेकन केयर ऑफ, मतलब जो है ये क्या करती है, जो क्रो होता है उसके घोंसले में जाके अंडे देती है, अपना घोंसला ये नहीं बनाती, और उसके जो क्रो के जो एग्स होते हैं उसको ये फेंक देती है, ठीक है, और इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, पैरासिटिज प्रोसेस। अब आगे है इसमें सनबर्ड, ओके। सनबर्ड जो है मेक्स हैंगिंग नेस्ट ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, ओके। हैंगिंग नेस्ट मतलब लटकते हुए घोंसले,
अब आगे है इसमें टेलर बर्ड। टेलर बर्ड यानी स्टिचेज लीव्स टुगेदर टू मेक इट्स नेस्ट। इसी वजह से इसे टेलर बर्ड कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी जो नेस्ट को क्या करती है, स्टिच करती है लीव्स को। ओके, मतलब उसको बुनती है। अब आगे है इसमें, वीवर मेल बर्ड, यानी एक बर्ड होती है जो कि अपनी फीमेल पार्टनर के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल नेस्ट बनाती है। ठीक है, अब आगे है इसमें बारबेट और कॉपर स्मिथ। ठीक है, बारबेट या फिर कॉपर स्मिथ बर्ड एक बर्ड होती है जिसमें वो क्या करती है, मेक इट्स नेस्ट इन द ट्रंक ऑफ ट्री बाय मेकिंग अ होल विद इट्स बीक। ठीक है, मतलब किसी भी पेड़ की जो है उसकी ट्रंक में, उसकी छाल में, उसमें होल बना करके अपना नेस्ट बनाती है। अब कुछ यूज़फुल एनिमल्स होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, जिसमें हम कुछ ना कुछ, जिनसे हम कुछ ना कुछ आउटकम लेते हैं। ठीक है, अब पहला इसमें काउज, गोट एंड बफेलोज। ठीक है, तो ये डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जिससे हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है और मीट मिलता है। ठीक है, हैंस एंड डक्स, तो इनसे हमें क्या मिलता है, एग। अब शीप, शीप से हमें वूल मिलती है जिससे क्या है, फैब्रिक बनाए जाते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बहुत यूज़ होती है। ओके, कैमल्स एंड स्नेक्स, इनसे हमें क्या मिलता है, लेदर्स, जिससे फुटवियर्स, क्लॉथ्स, बैग्स, अदर थिंग्स बनाई जाती हैं। ठीक है, अब आगे है इसमें सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म से क्या बनाया जाता है, सिल्क फाइबर, जो कि फैब्रिक इंडस्ट्रीज़ में मतलब एज अ रिच फैब्रिक यूज़ किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें हनी बीज। हनी बीज से हमें क्या मिलता है, हनी यानी शहद मिलता है, और या फिर हमें बी वैक्स मिलता है। ठीक है, मतलब एक जो हनी, मतलब मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उससे हमें हनी भी मिलेगा और बी वैक्स भी मिलेगा। ठीक है, अब आगे है इसमें चिकन्स। चिकन्स से हमें क्या मिलेगा, मीट या फिर एग्स। ठीक है, और चिकन्स बेसिकली जो है हैन के जो बच्चे होते हैं, हैन और डक के, उनके बेबीज़ को कहा जाता है। और गोट, गोट से हमें क्या मिलेगा, मिल्क मिलेगा या फिर मीट मिलेगा। ठीक है, मिल्क जो है बेसिकली जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर गोट वगैरह का मिल्क पिया जाता है, और जो है लोग बीमार हो जाते हैं वो इसके मिल्क का सेवन करते हैं, इसके मिल्क को पीते हैं। ठीक है, अब आगे है इसमें रैबिट्स एंड स्क्वायरल्स, तो इनसे हमें क्या मिलता है, फर। ठीक है, यानी इनके जो हेयर्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जिनको यूज़ किया जाता है ब्रश बनाने के लिए, और जो टेक्सटाइल में भी इसको यूज़ किया जाता है एज अ फैब्रिक। ओके, तो ये आपका ये वीडियो पूरा हो चुका है। अब इस आपके इस चैप्टर में एक यूनिट और रह जाएगा, उसको भी हम जल्दी से जल्दी पूरा करा देंगे। प्लांट्स नाम है उस यूनिट का, तो चलिए। ओके, थैंक यू, उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करिए। ओके, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। थैंक यू।